हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से एक बार दुर्गा मेकअप लुक, जो कि मैंने ब्लैक साड़ी में किया है और अंडर 10 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स के साथ किया है। तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं, मेकअप लुक देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ और सभी प्रोडक्ट्स अंडर 10 रुपीज़ की रेंज में ही होने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्किन केयर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ मैं ले रही हूँ मलबरी का टोनर। आप रोज़ वाटर ले सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने लिया है विटामिन सी का फेस सीरम। दैन मैंने ली है 10 रुपीज़ की जॉय फ्रूट क्रीम, जिससे मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करने वाली हूँ, मॉइस्चराइज़र करने वाली। बहुत ही अच्छी क्रीम है ये, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है। उसके बाद मैंने लिया है पर्पल का प्राइमर। ये 10 रुपीज़ की रेंज में मुझे छोटा सा कार्ड मिला था, तो बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। दैन मैंने लिया है ये स्पिंज की बीबी क्रीम, जो कि मुझे 10 रुपीज़ का पाउच मिला था। तो अपने हैंड पर इस तरह से निकाल लिया और इसे थोड़ा सा वार्म कर लेंगे। दैन मैंने अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई किया है, नेक एरिया पर भी अप्लाई कर लूँगी एंड मैं इसे अपनी फिंगर टिप से ही अपने पूरे फेस पर ब्लेंड करूँगी। देख सकते हैं आप, नेक एरिया पर ब्लेंड किया है एंड पूरे फेस पर भी मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड बहुत ही अच्छी क्रीमी फॉर्म में है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है एंड आप इसे डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक ब्लेंडर लिया है, इसे थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लिया है मैंने और आप देख सकते हैं मेरा फेस। इसके बाद अगर आपको कहीं लगता है कि आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, एक बार फिर थोड़ा सा ले सकते हैं। देन आपके पास जो भी पाउडर है वो उसमें मिक्स करेंगे ताकि आपको फुल कवरेज मिल सके। जहाँ आपको नीड है वहाँ अप्लाई करेंगे और अपने फिंगर से ही मैं इसे कर रही हूँ ब्लेंड। तो बहुत ही अच्छा, अच्छे से इसने फुल कवरेज मुझे दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ पॉन्ड्स का फेस पाउडर, जो कि 10 रुपीज़ की रेंज में ही है। अपने हैंड्स पर लिया है, दैन ब्लेंडर से मैंने इसे अप्लाई किया और उसके बाद मेरी स्किन इतनी स्मूथ एंड सिल्की हो गई थी कि मेरा हैंड भी जो है वो फिसल रहा था। बहुत ही अच्छा बेस बना था, एकदम बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, सिल्की सिल्की सा, बहुत अच्छा, सुपर फाइन। दैन मैंने ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो मेरे फेस से रिमूव हो जाए। इसके बाद मैंने ली है 10 रुपीज़ वाली आईब्रो पेंसिल अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। एंड मेरा जो बेस है इतना सिल्की शाइनी सा था, तो मेरी आई पेंसिल जो वो भी स्लिप कर रही थी। तो इसके बाद मैंने ली है 10 रुपीज़ वाली रेड लिपस्टिक की लिक्विड लिपस्टिक मुझे मिल गई थी, सो मैंने इसे अपनी आईज़ पर अप्लाई किया है। तो ब्रश की हेल्प से पहले मैं इसे ब्लेंड करती हूँ अपनी फुल आईलिड पर अप्लाई करूँगी। दैन इसे धीरे धीरे करते हुए अपनी क्रीज एरिया के ऊपर की तरफ जाऊँगी एंड बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो रही थी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। सो मैंने इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया था ताकि मुझे थोड़ा अच्छा सा लुक मिले। एंड ये देख सकते हैं आप, इसी ब्रश की हेल्प से मैंने अपने वाटर लाइन के नीचे की तरफ भी थोड़ा सा रेड शेड जो है वो अप्लाई कर लिया इस तरीके से। तो इसके बाद मैंने ली है सेम ब्रश की हेल्प से, क्योंकि कॉन्ट्यूरिंग कोई 10 रुपीज़ में नहीं थी, सो मैंने इसी ब्रश को थोड़ा सा नोज़ की कॉन्ट्यूरिंग के लिए यूज़ किया एंड बहुत ही अच्छे से मेरी नोज़ कॉन्ट्यूर हो गई थी। दैन मैंने ली है 10 रुपीज़ वाली काजल, ये लैक्मे की है जो आपको इजीली मिल जाती है। एंड एंगल ब्रश की हेल्प से मैं लगाने वाली हूँ आईलाइनर, विंग क्रिएट करने वाली हूँ इसी काजल की हेल्प से। एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही अच्छे से एक विंग क्रिएट किया था मैंने एंड अप्लाई किया था लाइनर। तो ये मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा पतला सा लाइनर लगाऊंगी एंड विंग क्रिएट करूंगी। एंड जो नीचे भी है मैं अपनी वाटर लाइन के नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्लैक शेड को स्मज करते हुए लगाऊंगी और अपने विंग्स के साथ ही इसे मिक्स कर दूंगी। इसके बाद मैंने अपनी वाटर लाइन पर काजल लगाया, थोड़ा सा डार्क
लुक देने के लिए अपनी आईज़ को। तो मैंने ब्लैक कलर अच्छे से फिल कर लिया अपनी वाटर लाइन पर। तो सेम मैंने अपनी दूसरी आईज़ पर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा मेकअप। इसके बाद मैंने सेम लिपस्टिक यूज़ की है अपनी चीक्स पर, थोड़ा सा नोज़ पर एंड थोड़ा सा चिन पर। एंड ये थोड़ा बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गई थी, बट ये थोड़ी सी जो है इसका शेड मुझे थोड़ा डार्क लग रहा था एंड ब्लेंडिंग बहुत अच्छी से हो गई थी इसकी। तो मैंने फैट ब्लेंडर के साथ इसे ब्लेंड कर लिया था। अगर आपको भी इस तरीके से अगर आपका चीक्स एरिया या चिन एरिया थोड़ा लगता है कि डार्क है, तो आप इस तरीके से पाउडर जो है अपना लूज़ पाउडर सेटिंग पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी एरिया आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो उसे आप हल्का हाईलाइट कर सकते हैं अपने पाउडर की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था, जो मुझे चाहिए था शेड वो मुझे मिल गया था। इसके बाद ये डस्ट मिली थी मुझे 10 रुपीज़ में, जो कि थोड़ा सा गोल्डन शेड में है। तो इसे मैं अपनी आईज़ पर अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए नोज़ को नोज़ पर अप्लाई करूँगी एंड अपनी ब्राउ बोन पर भी मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड मैं इसे चिक्स पर भी थोड़ा बहुत अप्लाई करूँगी फॉर हाईलाइटर। एंड सेम लिपस्टिक मैं अपनी लिप्स पर अप्लाई करूँगी रेड शेड, बिकॉज मेरी साड़ी रेड ब्लैक है। तो मैंने यही रेड लिपस्टिक, एंड ये लिपस्टिक जो है 10 रुपीज़ की है, बट ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि बहुत ही मुश्किल से रिमूव हुई थी एंड बहुत ही अच्छी है। इसके बाद मैंने फॉल्सेस लिया है, ऑफकोर्स 10 रुपीज़ की रेंज में कोई फॉल्सेस नहीं मिलती। सो ये मैंने रेड बिंदी लगाई है एंड ये लैशेज जो है वो 50 रुपीज़ की रेंज में थे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सिंदूर अभी अप्लाई कर रही हूँ, देन मैं जो है वो अपना हेयर स्टाइल बनाने के बाद अप्लाई करूँगी। तो यहाँ मैंने अपना ज्वेलरी जो है वो कैरी कर ली है। इसके बाद मैंने हल्का सा हेयर स्टाइल बनाया था, वो है आप देख सकते हैं मेरे बाल भी थोड़े से ग्रे हो रखे हैं। तो मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग की है सेंटर पार्टिंग के बाद। उसके बाद मैं जो फ्रंट के बाल हैं उनमें बैक कॉम्बिंग करूँगी एंड थोड़ा सा पफ बनाऊँगी, जैसा कि आप देखते हैं बंगाली लुक होता है, बट मुझे ये इस तरीके का लुक जो है वो बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैं टिक टैक पिन से मैं जो टक कर दूँगी, थोड़ा सा एक विंग निकाल लूँगी यहाँ से एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों तरफ का मैं यहाँ पफ बना लूँगी। यहाँ टिक टैक पिन लगा ली है और पीछे के बाल खुल रहे हैं। मैंने थोड़ा और सिंदूर जो है कर लिया है अपनी मांग में फिल। और ये ज्वेलरी ईयरिंग मैं वेयर करने वाली हूँ जो झुमकी के साथ हैं, बड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो इस तरीके से ये मेरा लुक क्रिएट हो चुका है। मैंने बैंगल डाली हैं रेड कलर की। तो ये याद, दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।